तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीपीएन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों आज है नवमी और आज का जो मेरा सफ़र है वो है बागड़ धाम गोगा मेडी। दोस्तों राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड गिर रही है और जो ट्रेन पकड़ने वाले यात्री हैं उनको आप देख पा रहे हो ऐसा ही दृश्य मेरा है, मतलब कि गर्म कपड़ों में डुबके हुए हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सुबह सुबह का समय है और आप सामने जो ट्रेन है दोस्तों उसकी खिड़कियां देख पा रहे हो पूरी की पूरी बंद है। एक और बागड़ जाने वाली जो ट्रेन है और दूसरी तरफ जो गंगानगर की ओर जाने वाली वो ट्रेन है। तो दोस्तों आज जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है, 6:57 हो चुके हैं जबकि इस ट्रेन का जो टाइम है 6:30 यहाँ से निकलने का है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं डायरेक्ट गोगा मेडी। दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम आ चुके हैं गोगा मेडी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गोगा मेडी रेलवे स्टेशन और ट्रेन का दृश्य आप पीछे देख पा रहे हो। ठंड काफी ज्यादा है, जब भी आप बागड़ धाम आए तो अपनी ठंड का जो इंतजाम है वो करके आए। और आज जो यात्री है दोस्तों काफी कम है, आप आगे का दृश्य देख पा रहे हो पूरा का पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो खाली नजर आ रहा है। दोस्तों मैं आ चुका हूं मुख्य रोड पे जो गोरख टीला मंदिर की ओर जा रही है और यहां की जो रोड है दोस्तों वो बन चुकी है, आप सामने देख पा रहे हो जो इसका निर्माण कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिन पहले यहाँ खड्डे ही खड्डे नजर आते थे। ये बस स्टैंड की ओर का दृश्य है, रोड का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आज है गोगा नवमी, गोगा नवमी के दिन आज यहाँ कितनी भीड़ पहुंची हुई है उसका मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ और गोरख गंगा के अंदर अभी कितना पानी है उसका भी पूरा का पूरा व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ भक्तों के जो कमेंट आए हुए हैं दोस्तों कि 1 जनवरी यानी नव वर्ष पे जब हम यहाँ दर्शन करने के लिए संघ के साथ पहुँचे तो हमारी यहाँ रहने की कहाँ व्यवस्था होगी, किस हिसाब से होगी, तो उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी भक्तों के कमेंट है, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों आप देख पा रहे हो मेले के टाइम यहाँ रोड के दोनों ओर काफ़ी दुकानें होती हैं, काफ़ी कम दुकानें अभी देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गोरख टीला मंदिर के नज़दीक वहाँ जो दुकानें हैं भाई दुकानें हैं वो हमें वैसे ही देखने को मिलने वाली है। और सर्दी की बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, सुबह सुबह का समय है, जो भी वक्त यहाँ पहुँचे अपनी सर्दी का जो इंतजाम है वो अवश्य करके आए। वैसे यहाँ धर्मशालाएं हैं, होटल है, उनमें आपको व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों सर्दी को देखते हुए यहाँ जो भीड़ है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि पूरी की पूरी रोड है वो खाली है और भक्तों की गाड़ियाँ हैं वो भी अभी मुझे यहाँ काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मंदिर के नज़दीक हमें काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो दिखने वाली है। सामने देख पा रहा हूँ काफ़ी भक्त हैं वो पैदल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और जिन भक्तों ने दर्शन कर लिए उनकी गाड़ियां भी आते हुए नजर आ रही है। जितनी नवमी को हमेशा यहां भीड़ होती है उतनी भीड़ आज हमें यहां देखने को नहीं मिली है। ये देखिए कुछ भक्त हैं जो पैदल गोरख टीला मंदिर की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूं सामने जो भक्त हैं उनकी गाड़ियां यानी बसें खड़ी हुई नजर आ रही है। ये देखिए एक ट्रैक्टर भी यहां भक्तों का पहुंचा हुआ है बाबा के झंडे के साथ। और मंदिर परिसर के अंदर जो पार्किंग स्थल है दोस्तों वहां हमें काफी गाड़ियां देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि बागड़ से जुड़ी हर एक अपडेट आपको घर बैठे वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म हमेशा उपलब्ध करवाता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि घर बैठे बागड़ की हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और इसी के साथ आ चुका हूँ दोस्तों मैं मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने, चलिए चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर के बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हो, और इस साइड जो भक्तों की गाड़ियां हैं वो काफ़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है, और जो होटल है दोस्तों उनमें भी अच्छे खासे भक्त नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड का भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड भी भक्तों की संख्या अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे, और मंदिर परिसर के अंदर कितने भक्त हैं, अभी गौरगंगा में पानी है या नहीं है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपके साथ आज नवमी के दिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आ चुका हूँ दोस्तों मैं मंदिर परिसर के अंदर, और आगे जो भक्तों की गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आ रही है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नज़दीक ले चलता हूँ, और ये देखिए दोस्तों इस साइड काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही है। पहले इस साइड का व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद दूसरी साइड, मतलब मंदिर परिसर के अंदर जो पार्किंग स्थल बना हुआ है वहाँ काफ़ी भक्तों की गाड़ियाँ हमें खड़ी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब भक्तों की जो संख्या है वो अच्छी खासी अभी यहाँ बागड़ में दर्शन के लिए पहुँच रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये सामने का परिसर ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी जो भक्त हैं वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं और अपना हवन है वो यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों मैं काफ़ी बार अपील करता हूँ भक्तों से कि आप खुले में हवन करके ऐसे न छोड़ें चलता हवन, तो वैसा दृश्य मुझे हमेशा देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई भी भक्त नज़र नहीं आ रहा, परंतु जो हवन है वो चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइड भी काफ़ी जो भक्त हैं वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं बाबा के यहाँ मंदिर के अंदर परिसर के अंदर। ये देखिए यहाँ भी हवन चालू है, ये देखिए हवन यहाँ चालू है, और इस साइड भी हवन की जो तैयारियाँ हैं तो वो ये भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं वो कर रहे हैं। ये बागड़ का दृश्य दोस्तों आप देख रहे हो, वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ गोरख टीला मंदिर परिसर गोगा मेड़ी से लाइव दृश्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे का दृश्य भी दिखा देता हूं, गोरख टीला मंदिर परिसर की ग्राउंड रिपोर्ट। और दोस्तों गोरख टीला मंदिर परिसर के अंदर जो नाथ समुदाय है उनके पास स्पेशल सुरमा मिलता है, ये देखिए इस सुरमे का दोस्तों इतना प्रभाव है कि मेरा खुद का उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। मेरे चश्मा जो लगा हुआ था वो मात्र 10 बार सुरमा डालने से हट चुका है, एक आंख में 0.25 और दूसरी में 0.75 का चश्मा मेरे यहाँ लगा हुआ था। यहाँ के जो नाथ समुदाय है उनसे मैंने यहाँ सुरमा लिया और 10 बार डाला है, मेरी जो आंखों की रोशनी है वो पूर्ण रूप से सही हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों गोरख टीला मंदिर परिसर के अंदर जो गोरख गंगा है उसके तट के आजू बाजू भी हवन काफी हो रहे हैं। ये देखिए इस साइड भी काफी भक्त हैं वो हवन कर चुके हैं और अभी इसको खुला ही छोड़कर निकलने वाले हैं, ऐसा ही दृश्य आगे है। चलिए सबसे पहले मैं गोरख गंगा का दर्शन करवा देता हूँ आपको, इसके अंदर कितना पानी है अभी और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, कैसे भक्त अभी गोरख गंगा को पवित्र रख रहे हैं या नहीं रख रहे, वो दृश्य आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिए दोस्तों गोरख गंगा के अंदर जो घाट बने हुए स्नाना घाट उनके अंदर पानी भरा हुआ है और काफी भक्त हैं जो पहुंच रहे हैं इस ठंडे पानी में, इस गोरख गंगा की सरोवर में स्नान करते हुए आप देख पा रहे हैं, और काफी पंछी भी इसके अंदर बैठे हैं, तो पानी की जो मात्रा है वो काफी कम है। आप इस पक्षी को देख पा रहे हो जो अपना दाना पानी चुग रही है। चलिए मैं घाट का दृश्य दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों जो भक्त यहां पहुंचे हैं वो नारियल है, अपने पुराने वस्त्र है वो सबके सब यहां छोड़ के
जा चुके हैं और गौर गंगा है उसको थोड़ा अस्वच्छ बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। गौर गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए यहाँ साफ सफाई है, वो भक्त हमेशा ध्यान रखें। और इस साइड भी दोस्तों काफ़ी भक्त हैं जो बैठे हुए हवन करते हुए आप देख पा रहे हो। चलिए प्राचीन धुने की ओर ले चलता हूँ, प्राचीन कुएं की ओर। ये आ चुका है प्राचीन कुआं और इसके बाजू में दोस्तों यहाँ भी हवन है वो करते हुए आप देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हर भक्त ने यहाँ अपने को ठंड से बचाने के लिए कंबल है चादर है वो ओढ़े हुए हैं और हवन की तैयारियां यहाँ इनकी हो चुकी है। ये गौर गंगा के बिल्कुल तट का नज़ारा है दोस्तों, लाइव दृश्य गुरु गोरखनाथ के धुने से। ये देखिए गौर गंगा का सुबह सुबह का दृश्य, पीछे सूरज चमक रहा है और ठंड काफी ज्यादा है। इस ओर भी काफी वक्त बैठे हैं दोस्तों जो हवन की तैयारी कर रहे हैं। ये पीछे गौर गंगा का दृश्य दोस्तों, अंदर से गौर गंगा अभी पूरी की पूरी खाली है, खाली मेले के टाइम इसको भरा जाता है। यहाँ भी प्राचीन जो पीपल का पेड़ है इसके नीचे जो भंडारा है भक्ति यहाँ करते हैं उसका भोग लगाते हुए आप देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों, चलिए प्राचीन धुने का भी दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं बाहर से ही आपको जूम करके दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो गोरखटीला मंदिर परिसर के नियम है मैं उनको फॉलो करता हूं, नियम को कभी नहीं तोड़ता। जहां कैमरा अलाउ नहीं है वहां मैं वीडियो शूटिंग नहीं करता। चलिए आपको पीछे के गेट की ओर ले चलता हूं और रास्ते में जो गौर गंगा है दोस्तों इसका गेट यहाँ खुला हुआ है, चलिए इसका भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पानी है या नहीं। ये देखिए दोस्तों गौर गंगा पूरी की पूरी अभी खाली है और जो बोट चलती है मेले के टाइम वो भी यहाँ रुकी हुई नजर आ रही है। पीछे जो हरियाली है वो नौलखे बाग की है। ये देखिए दोस्तों जिन भक्तों ने दर्शन यहाँ कर लिए हैं वो अभी वापस लौट रहे हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद जो निकासी गेट है वो पीछे की साइड है और ये यहाँ का नौलखा बाग, महंत बालयोगी रूपनाथ जी पार्क, इसके अंदर भी काफी जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जो निकासी गेट है ढोल नगाड़ों के साथ जो भक्त है वो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, वापस ले चलता हूँ आपको मुख्य दरवाजे पे और आगे मैं आपको गोगा जी समाधि स्थल लेके जाने वाला हूँ, वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि नवमी के दिन वहाँ कितने भक्त पहुँचे हैं और घर बैठे सभी भक्तों को मैं आज लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। आगे गोगा जी समाधि स्थल के भी मैं आपको लाइव दर्शन करवाने वाला हूँ। उसके अलावा माता पाछल माता सीरियल और बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी गोगा मेडी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जब भी आप बागड़ धाम पहुंचे तो आपको यहाँ की पल पल की सूचना मिलती रहे। हमारे एक दर्शक है दोस्तों, उसका व्हाट्सएप मुझे मिला है कि नव वर्ष पर लगभग 50 से 100
श्रद्धालु हम यहाँ संग लेके पहुंचे तो रुकने की क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए मैं आपको आगे गोगा जी समाधि स्थल पर क्या कुछ व्यवस्था है रुकने की पूरी जानकारी देने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की कवरेज गोरख किला मंदिर परिसर गोगामेड़ी से। आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और दोस्तों एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बागड़ से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक घर बैठे पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो गोगा जी समाधि स्थल पर नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।